रक्षा, गो रक्षा, संत रक्षा है, तो इस पे सब लोग अपना अपना विचार रखेंगे और हम बैठे हैं। धन्यवाद। हमारे दाताराम इसी प्रकार से अभी कुछ बीच में अपने विचारों को मैंने विराम दिया, तो दोबारा फिर एक बार जो थोड़ा सा मेरे मैं दिखाना रहूंगा। भारत माता की, गौ माता की संतों का सम्मान है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी प्यारी संगत, मेरे प्यारे भाइयों, अब विचार था संतों की रक्षा, संतों के सम्मान के प्रति, संतों की जो बनाई हुई वस्तुएं हैं वो प्रभु की और संत की नहीं होती। तो आज रामचंद्र जी की जय जयकार है, इसी प्रकार से मैं दोबारा रामचंद्र जी की अधिकार बोलो बोलो, श्री राम की, बोलो राम कृष्ण की, बोलो सीता माता की, बोलो लक्ष्मण माता की, बोलो भारत माता की। मेरे वीरों, संतों के ऊपर विचार है कि संत योग बनना चाहिए और संत योग बहुत जरूरी है समाज के लिए भी और संतों के लिए भी। जब किसी संत से, किसी धार्मिक व्यक्ति से कोई गलती या कोई वो उसमें वो या योग में जानी चाहिए और योग उसका फैसला करे और योग उसकी एक कमेटी बनावे, तब उसके ऊपर हमारे देश की जो जुडिशली है या जो प्लान, जो भी हमारे देश का संविधान, उसके ऊपर विचार करना चाहिए, तभी विचार देना चाहिए। उससे पहले मैं, क्योंकि मैंने टाइम बहुत ले लिया, मेरे मित्र बहुत ज़्यादा मेरे से थोड़ा प्यार कर रहे हैं, मैं क्योंकि बहुत सारे साथी, बहुत बुद्धिजीवी लोग समय लेंगे और बोलेंगे, तो मैं महाराज जी से कहूँगा, चक्रपाणि जी महाराज, संत योग के विषय पे बोलना चाहिए, संत योग बन गया तो समझ लो सारे संतों की समस्या हल हो जाएगी। इस भारत की संस्कृति भी बच सकती है, इस भारत की जनता, ये भारत की जनता भी बच सकती है, जो अरबों करोड़ों लोग जो टैक्स देते हैं, जो मेरे भाई, मेरे बच्चे, जो मेरे वीर, जो प्रशासन के अंदर ड्यूटियां करते हैं, पुलिस में हो या मिलिट्री में, वो मेरे, वो मेरा एक परिवार है, उनका भी एक समस्या का हल हो सकता है, तरीका बन सकता है, क्योंकि उनके पास भी कोई जवाब नहीं। जब कोई किसी पर कोई लंचन लगाता है या कोई शिकायत करता है तो उनके संविधान के मुताबिक उन्हें भी कार्रवाई करनी पड़ती है। जब एक सहयोग, संतों का योग होगा तो वो एक, उसका एक हल निकाला जा सकता है, चाहे बापू राम, बापू आशाराम जी का मसला हो या किसी भी और संत का मसला हो, तो वो एक उसका हल निकाला जा सकता है। तो मेरे से अगर कोई चूक हुई हो, मेरे से गलती हुई, तो क्षमा मांगता हूँ। ज्यादा ना बोलते हुए मैं अपने विचारों को यही विराम देता हूँ, दोबारा फिर बोलता हूँ, भारत माता की, गौ माता की, संत महासभा की।